नमस्कार, संजय भूषण पटेला की तरफ से सभी दर्शकों को आज हम उपस्थित हैं भोजपुरी फिल्म सैया सुपरस्टार के सेट पर, जहां हम मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्माता प्रेम राय से, जिन्होंने कई भोजपुरी फिल्में सुपर डुपर हिट दी है। अभी इनकी लास्ट मूवी रिलीज थी आतंकवादी, और सैया सुपरस्टार के सेट पर पवन सिंह भी उपस्थित हैं। उन लोगों से मैं थोड़ी देर में आप लोगों को मुलाकात करवाता हूँ। पहले मिलवाता हूँ प्रेम राय जी। प्रेम राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? आपसे मिलने के लिए। सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। प्रेम जी, आज सैया सुपरस्टार शूटिंग चल रही है और शूटिंग तो हो चुकी है, 5 दिन के शेड्यूल बाकी है, क्या कुछ खास रहा है? कुछ खास तो नहीं है, शूटिंग मई में कंप्लीट हो गई थी, 4 दिन का काम बाकी था, जो अभी सेकंड शेड्यूल में कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में। आज पहला दिन है। इस फिल्म में पवन सिंह, अक्षरा सिंह और अरविंद अकेला कल्लू तीनों नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल किरदार है? स्पेशल तो है, पवन सिंह और कल्लू जी को लेकर के मैंने इसके पहले भी फिल्म बनाई थी हुकूमत, काफ़ी अच्छी चली थी, और अभी ये दूसरा फिल्म है उनके साथ में, और इसका स्टोरी भी बहुत अच्छा है और म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है। आपने पिछले साल 3 फिल्मों का मुहूर्त किया था और एक फिल्म रिलीज हो गया, दूसरी फिल्म शूटिंग चल रही है, तीसरा फिल्म कब तक आपका? तीसरा फिल्म हम 15 अक्टूबर से जा रहे हैं। उसमें कौन होगा? उसमें भी बताएंगे अगले वाले आपके इंटरव्यू में। अच्छा, अभी मार्केट बहुत गर्म है, एक साथ फिर से 5 फिल्मों का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कोशिश तो रहेगी, अभी पहले ये 3 फिल्म हम बना के कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद 5 फिल्मों का जो हमने प्लान बनाया हुआ है, अगर उसमें हम सफल हो जाते हैं तो उसका मुहूर्त भी किया जाएगा। फिल्मों को बनाने में कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? पहले तो बहुत होता था, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी नॉर्मल है, कुछ भी कठिनाई नहीं होती। हम बिजनेस की बात करें तो क्या अभी चल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और 25 करोड़ आबादी है भोजपुरी, सब लोग बोलते हैं, अगर 25 करोड़ आबादी देख रहे तो फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, कुछ बताएंगे हमारे दोस्तों? अगर 25 करोड़ जो आबादी है उसका 10% लोग भी अगर भोजपुरी फिल्मों को अगर देखते हैं, तो भोजपुरी फिल्म जो रीजनल लैंग्वेज की फिल्म बनती है उनमें सबसे नंबर 1 पे रहेगी। इसमें अभी देखा जाएगा तो भोजपुरी को 8वीं सूची में नहीं शामिल किया गया, इसका भी बहुत बड़ा कारण रहा है। इसका कारण तो बहुत सारा है, क्योंकि जो भोजपुरी एरिया है बिहार और यूपी का, उसमें हर 10-15 किलोमीटर पर लैंग्वेज या टोन चेंज हो जाता है, वो सबसे बड़ा कारण है 8वीं सूची में शामिल नहीं करने का। फिर भी हमारे भोजपुरी फिल्म से श्री मनोज तिवारी जी, जो अभी सांसद हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि 8वीं सूची में शामिल हो जाए, और हमको भरोसा है कि वो करवा लेंगे। तो अभी और बता सकते हैं कि कितने साल लग सकता है इसको शामिल कराने? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बता सकता हूँ इस बारे में। आप कभी किसके लिए कुछ बात की है? मैंने कोशिश किया है, लोगों का साथ दिया है, मैंने अभी पर्सनली अपने खुद के स्वयं के लेवल पे तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जहाँ पर भी इसकी चर्चा होती है तो मैं उसमें शामिल होता हूँ, और हमसे जो भी सपोर्ट बन पड़ता है वो मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपके पास बहुत सारे नए स्टार आते हैं, लेकिन आप हमेशा सुपरस्टार को फिल्म के पीछे बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सुपरस्टार का रहना जरूरी है फिल्म में, फिल्म की रिकवरी को लेकर वो सबसे बड़ा कारण है, और उनके साथ बहुत सारे जो कलाकार हैं, जो हीरो लोग आ रहे हैं नए नए, उनको भी मैं मौका देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। अभी तक किस किस हीरो को लेकर बना चुके हैं? अभी तक तो पवन सिंह जी हैं, खेसारी जी हैं, दिनेश जी हैं, विराज भट्ट हैं, अरविंद अकेला कल्लू हैं, इन लोगों के साथ मैंने फिल्म बनाया है और आगे भी हमारा प्लानिंग है। और इस फिल्म को दशहरा पर रिलीज़ कर रहे हैं, सबसे पहले ऑल इंडिया करना है या सिर्फ बिहार में? नहीं, ऑल इंडिया होगा, हमारी फिल्म ऑल इंडिया ही होती है हमेशा, कोई भी फेस्टिवल पर रिलीज़ होती है। कुछ खास तैयारी बहुत सारी है, जिसमें जिसका एक मुख्य हिस्सा आप भी हैं, जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और बाकी हमारी बहुत सारी तैयारियां चालू हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बड़ा क्वेश्चन।